नमस्कार, जेड न्यूज डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। WHO ने दी चेतावनी, बाकी है अभी इस वायरस का सबसे घातक रूप देखना। कोरोना वायरस के संक्रमण पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 अप्रैल को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस कोरोना वायरस का सबसे घातक और खतरनाक स्टेज देखना अभी बाकी है। चीन के वुहान से नवंबर महीने में फैले COVID-19 संक्रमण वायरस की गिरफ्त में आए लगभग सभी देश इस वक्त लॉकडाउन है या प्रतिबंध झेल रहे हैं। अब तो लॉकडाउन में रहने से देश विदेश की आर्थिक स्थिति औंधे मुंह गिर गई है। हफ्तों गुजरने के बाद विभिन्न देशों की सरकारें स्थिति को सुधारने और इसे काबू में लाने के लिए धीरे धीरे ये प्रतिबंध कम करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कई देशों में कई सेवाएं खुल रही हैं। भारत में भी कई सेवाओं को सशर्त खोल दिया गया है। ऐसे में WHO प्रमुख टेड्रोस ने ये चेतावनी दी है कि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फिर लौट सकता है और अब की बार ज्यादा खतरनाक होकर लौटेगा। इससे पहले भी संगठन ये चेतावनी दे चुका है। आपको बता दें कि WHO की चेतावनी तब आई है जब दुनिया भर में संक्रमण का आंकड़ा 24,80,000 के पार पहुंच चुका है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से इसकी तुलना करते हुए कहा है कि ये बीमारी एक के बाद एक करके तीन बार लौटी थी। जैसे ही लोग असावधान होंगे, कोरोना का घटता कहर फिर से लौटेगा और ज्यादा प्रभावी होकर लौटेगा। वैज्ञानिक भी इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से ही कर रहे हैं। साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई एक महत्वपूर्ण स्टडी के अनुसार कोरोना की एक लहर के बाद भी ये बीमारी खत्म होगी या नहीं, इस पर कई बातें असर डालेंगी। पहला, मौसम यानी तापमान का घटना बढ़ना। माना जा रहा है कि गर्मी में इस वायरस का सर्वाइवल मुश्किल होगा और संक्रमण की दर तेजी से घटेगी, हालांकि अब तक इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरा, वायरस कब लौटेगा, इसमें एंटीबॉडी भी एक अहम भूमिका निभा सकती है। जैसे अगर किसी वायरस का पहला हमला झेल चुके शख्स के शरीर में एंटीबॉडी लंबे वक्त तक असरदार रही, तो वायरस का अटैक तभी दिखेगा जब ये कमजोर पड़ जाएगी। तीसरा, इस वायरस का असर खत्म होने में अगर 2 साल लगेंगे तो ये 2 साल बाद भी लौट सकता है। चौथा, साल भर या कुछ महीनों में ही अगर COVID-19 के खिलाफ एंटीबॉडी कमजोर पड़ जाए, जैसे कि मौसमी फ्लू के मामले में देखा जाता है, तो कोरोना का अगला हमला कुछ महीनों के भीतर भी हो सकता है। वैज्ञानिक कर रहे हैं शोध। प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस हर साल सर्दी और वसंत के बीच आएगा तो संक्रमण उतना खतरनाक नहीं होगा, जबकि सर्दी और पतझड़ के बीच इसका आउटब्रेक काफी खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक सीरियोलॉजिकल जांच पर भी जोर दे रहे हैं। इससे एक बार में कोरोना संक्रमित हो चुके शख्स के शरीर में एंटीबॉडी की जांच से देखा जा सकेगा कि इम्यून कितने वक्त तक काम करती है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस का अगला हमला कब होगा। कई जगह एक व्यक्ति में दोबारा भी संक्रमण के खतरे को देखा जा रहा है। WHO और दूसरे वैज्ञानिकों की लगातार चेतावनी के बीच इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि क्या वायरस दोबारा लौट रहा है। उत्तरी चीन में इसके छुटपुट मामले सामने आने लगे हैं, लेकिन वहां पर आए या रह रहे विदेशियों में इसका प्रतिशत ज्यादा होने की वजह से चीन इसे फॉरेन वायरस की तरह देख रहा है। सिंगापुर में भी कोरोना वायरस को दोबारा लौटता हुआ देखा जा सकता है। वहीं दक्षिण कोरिया में भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज दोबारा COVID-19 संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर भी निर्णय सख्त किए जाए। ये भी माना जा रहा है कि वन टाइम लॉकडाउन यानी वो लॉकडाउन जो लंबे समय तक चले, खास असरदार नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबंधों के दौरान घर में बंद बड़ी आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। ऐसे में प्रतिबंध खत्म होने के बाद बाहर निकलने पर कोरोना का हमला ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हार्वर्ड की स्टडी में साफ बताया गया है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लगातार 2 सालों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर वायरस खत्म होता है तो भी नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी भी ये वायरस दोबारा हमला कर सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेड न्यूज डिजिटल मीडिया।